यस 2018 ऑनलाइन पेपर 16 अप्रैल के सॉल्यूशंस देखते हैं, देखिए क्या है। अभी कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, अब आगे करते हैं। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 5000 दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड एंड मल्टीपल ऑफ 3। मतलब मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें हो सकता है या मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पहले तो 4 डिजिट नंबर है, अगर 2000 और 5000 के बीच के नंबर हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक होती है बताता हूँ। एक तो नंबर का सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो इसको सेव करो 7 + 2 9 + 1 10। तो आप क्या क्या छोड़ सकते हैं, जैसे अगर सपोज 1 को छोड़ दिया, 1 आपने नहीं लिया, तो आपके पास क्या क्या है जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 1 छोड़ा तो आपके पास है 0, 2, 3, 4, 7 + 2 9, बट फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 3। हमने इसी बिल्कुल सिंपल तरीके से परमुटेशन पढ़ा है, और मैं आपको फिर बोलूँगा पढ़ने के तरीके बदलो, क्वेश्चंस अपने आप होंगे। फिर अगले प्लेस पे 0 आ सकता है, 3, 2, 1, ये हुआ 18। अब एक केस ये हो सकता है कि और क्या छोड़ सकते हैं हम, 4 + 2 6 + 3 9 1 छोड़ सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी छोड़ सकते हैं, यस 4 भी छोड़ सकते हैं, 3 + 3 6। अगर मैंने 4 छोड़ा तो अब आपसे क्या होने वाला है, आप समझिएगा कि अगर 4 छोड़ा तो आप यूज कौन कौन से नंबर करेंगे, 0, 1, 2 एंड 3। अब आप जैसे 1 लेफ्ट को भी 18 18 करके 36 लिख सकते हैं, और ये आंसर लगने के बहुत चांस है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2000 एंड 5000 है, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 0 और 1 पहले प्लेस पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये नंबर आ गया तो ये 2000 से बड़ा नहीं है। तो आप लोग, कई लोग ये मिस्टेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 छोड़ा 4 छोड़ा, दोनों के 18 18 ले लिए, 36 गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको 0 और 1 नहीं लेना, तो यहाँ के लिए 2 पॉसिबिलिटी, एक कोई कम हुआ, यहाँ के लिए 3, 2, 1, 6, 2, 12, दिस इक्वल टू 30। तो 30 इज अ राइट आंसर। और कोई नंबर आप छोड़ सकते हैं, सोचिए क्या 0 नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इसका सम डिविजिबल बाय 3 नहीं हो रहा है, और कोई 3 नहीं छोड़ सकते थे, राइट? 4 और 1 तो हमने ले लिया था। 2 को देख लीजिए, 2 छोड़ने पे क्या हो रहा है, 7 + 1 8 नहीं छोड़ सकते थे, तो करेक्ट आंसर इज 30 36 ना लगा दें, राइट? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज 4 यूनिट, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज 2b² / a = 4 यूनिट, यानी b² = एक तरह से 2a, क्योंकि एक 2 कैंसिल हो गया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड नियरेस्ट वर्टेक्स, फोकस एंड नियरेस्ट वर्टेक्स मतलब फोकस हो गया a0, तो उसका नियरेस्ट वर्टेक्स होगा a0, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड नियरेस्ट वर्टेक्स ऑन द मेजर एक्सिस 3/2, मतलब ऐसा a - ae = 3/2, या a कॉमन ले लो तो 1 - e = 3/2, राइट? अब देखिए b² = क्या होता है, a² * 1 - e² = 2a, a से a कैंसिल, तो a यहां मिला, इसको लिखो 1 - e 1 + e। कितने इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन, इस पर डिपेंड करेगा। a * 1 - e की वैल्यू रख दो, 2 / 1 + e = 3/2, 4 = 3 + 3e, राइट? तो 3e = 1, देन e = 1/3। अगर आपका करने का तरीका सही है तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, और देखिए मैं आपको सिंपल टू टफ के ऑर्डर में करवाऊंगा, और तीनों पार्ट के पेपर करवाऊंगा, यानी 15 के दोनों और 16 का वाला भी। और मैं आप सबको बोलूंगा कि आप बहुत ध्यान से करिएगा, पर पहले हमेशा आदत डालिए कि सबसे पहले वो अटेम्प्ट करिए जो आप कम से कम स्टेप में करते हैं, उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आप एक भी ऐसे क्वेश्चन में उलझ गए जिसमें टाइम लग रहा है तो आपका पेपर बिगड़ने का चांस होता है, इसलिए ये बात को ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। और देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² and y = 1/x एंड द लाइन y = 0 x = t, y = 0 मतलब x एक्सेस, और t > 1 दिया हुआ, इससे क्या मतलब निकलता समझते हैं। अब y = x² वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला हो गया, और ये हो गया रेसिप्रोकल कर्व का ग्राफ लाइक दिस, राइट? अब एक पॉइंट ये हो गया, देखिए ये हो गई लाइन y = 0 की, x = t, तो कहाँ होगा वो देखते हैं। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तो y के प्लेस पे 1/x रखा, 1/x = x², देन x³ - 1 = 0, तो एक रूट मिल गया 1, इसका मतलब ये पॉइंट होगा x = 1 का। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है, x = t t > 1, मतलब t यहाँ कहीं मिलेगा, यही होगा, यहाँ नहीं हो सकता, ये देना इसलिए जरूरी था, नहीं देते तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती। अब एक सिंगल स्टेप में हो सकता है क्वेश्चन, ये पॉइंट 0 0 है, तो में ये वाला कर्व, इस कर्व का y क्या है, x² dx प्लस 1 to t में रेसिप्रोकल कर 1/x dx, और इस पूरे का एरिया आपको गिवन है 1, ये हो गया x³
by 3, 0 to 1, समझाने के लिए लिखा, आप तो direct 1 by 3 लिखना, plus log t, sorry log x, g 1 to t equal to 1, अब देखिए ये मिला 1 by 3, ये मिला log t, log 1 0 होता equal to 1, therefore log t equal to 2 by 3, 1 minus 1 by 3, तो t equal to e power 2 by 3 nt log लिया, अगर सही logic, सही concept है, फंडामेंटल स्ट्रांग है तो कोई रीजन नहीं है कि आप अच्छे से क्वेश्चन ना कर पाए, इस बात पे ध्यान रखते हुए चलिए। इसलिए मैं बोलूंगा कि अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करिए, मैथ्स का अप्रोच चेंज करिए, आपके क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इंटीग्रल का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के अपॉन रूट ए, टेन इनवर्स के टेन एक्स प्लस वन अपॉन रूट ए। अब देखिए के और ए की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर होने वाली है, क्या ऑर्डर पेयर होगा ये पूछा है। क्वेश्चन को कैसे करें, सिंपलेस्ट स्टेप में करना है तो पहले डायरेक्ट बताता हूँ, फिर हम इसको मेथड से करेंगे। टेन एक्स को आप टी मान लीजिए, तो टेन एक्स को अगर टी माना तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ टी आ गई वन प्लस टी स्क्वायर, यानी आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इन टू 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए इसको देखते ही समझ में आ रहा है टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर डी टी। एलसीएम लीजिए, कैंसिल। यस, अब ये कितना मिला, देखिए ये मिला टेन इनवर्स टी, टी की वैल्यू रख दीजिएगा, टी की वैल्यू टेन एक्स रखी तो देखिए एक्स आ गया, माइनस इसका क्या करेंगे, याद है आपको परफेक्ट स्क्वायरिंग, तो 1/4 ऐड 1/4 सब्ट्रैक्ट, तो t प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 यानी रूट 3/2 लिख सकते थे, आंसर यहीं पे आ गया। जब आप आंसर लिखेंगे तो 1 अपॉन रूट 3/2, तो 2 पर चला गया, तो देखिए k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू आ गई 3, राइट k की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो गया, मैंने क्या बोला वो समझाता हूं। आपने ये लिखा, इसमें क्या करा देखिए समझिएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी में आपने प्लस 1/4 माइनस 1/4 किया, 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4 प्लस टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, तो देखिए क्या आ गया। ये स्टेप्स ही बचानी है, 1/√3/2 टेन इनवर्स, अल्टीमेटली इसका एलसीएम लेंगे तो 2t प्लस 1 अपॉन रूट 3, टी की जगह आपने 10x डाल दिया, तो देखिए अपने आप ही 2 10x प्लस 1 अपॉन रूट 3, यहाँ पर 2/√3 यहाँ पर x मिला, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीरीज 1 3/2 7/4 15/8 31/16। देखिए कभी भी क्वेश्चन देखिए तो जैसे अगर मैं देखूं तो इसमें 4 माइनस 1 लिख सकता हूं, इसको 8 माइनस 1, इसको 16 माइनस 1, इसको 32 माइनस 1, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं समझिएगा, 1 प्लस ये समझाने के लिए लिखा 4 माइनस 1/2, उससे एक सीरीज हमें अलग मिल जाएगी 8 माइनस 1/4 16 माइनस 1/8 32 माइनस 1/16 एंड सो ऑन, राइट। अब आपके पास एक तरीका हो सकता है कि आप क्या करिए, देखिए 1 4/2 2 8/4 2 16/8 2 32/8 2 ऐसे 20 टर्म माइनस ऑफ 1/2 1/4 1/8 1/16 अप टू 20 टर्म। पर अब एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत कॉमन मिस्टेक करने वाले हैं, ये अप टू 20 टर्म नहीं होगा, यहां पर ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो यहां पर 19 टर्म तक लेना है जो मिस्टेक होने वाली है। और दूसरा यहां 20 टर्म है पर 2 कितने बार आ रहा है, 19 टाइम और प्लस 1, तो ये हुआ 39 माइनस, वहां पर एक मिस्टेक होने वाली जिसको आपको कैच करना है ए। अब देखिए सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी है ये ए इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, राइट। तो ए कितना है 1/2 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 19 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो देखिए 39 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन 2 पावर 19, तो ये हो गया 38 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 19, तो देखिए 38 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 19 इज अ राइट आंसर। जरा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया या 20 लिख दिया
तो आपकी मिस्टेक कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए 20 भी आंसर में दिया, 38 to power 20, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे को याद रखनी पड़ती है। यहाँ पर 1 है और 2 है, यहाँ पर 40 नहीं होगा, तो 39 भी आंसर इसलिए लगा जा सकता है अगर ये 40 लिख देते आप, तो 40 - 1 39 होता। तो देखिए जो आपकी पॉसिबल मिस्टेक है वो ए और बी में दी, इसी मिस्टेक से आप बहुत पीछे हो सकते हैं। केयरफुल होकर करिए, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। याद रखिए 1 से ये, एक तरह से ये वाला 1 जो है वो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब अब 219 टाइम है तो 38 हो गया। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।